नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। शिविर लगाकर किसान सम्मान निधि योजना की दी गई जानकारी। सोनभद्र जिले के रोबर्ट्सगंज कोतवाली अंतर्गत ग्राम सभा बहुरा रामलीला मैदान में यहां के संबंधित लेखपाल जेके गुप्ता द्वारा शिविर लगाकर किसान सम्मान निधि योजना की विधिवत जानकारी दी गई। आज ग्राम सभा बहुरा रामलीला ग्राउंड में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में यहां के संबंधित लेखपाल श्री जेके गुप्ता जी ने किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी दी। उनके अनुसार यहाँ के प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये वार्षिक कृषि कार्य हेतु मिलने हैं। इनकी पहली किस्त 2,000 रुपये आवंटित होने वाली है। इसके तहत यहाँ के कुछ किसानों का चयन किया गया। इस ग्राम सभा के निवासी हैं? ग्राम पंचायत बहुरा। बहुरा किसान हैं आप? जी। कितने बीघे खेती करते हैं? खेती तो 10 बीघा। 10 बीघे। सर, यहाँ पे एक किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार 6,000 रुपये देने वाली है किसानों को, क्या उस लिस्ट में आपका नाम है? जी है। आपको धनराशि मिली अभी तक? नहीं सर, अभी नहीं मिली। सर, हम ये जानना चाहते थे 6,000 रुपये जो आपको मिलने वाला है, क्या इससे आपकी पूरी खेती हो सकती है? नहीं सर, खेती नहीं हो सकती, थोड़ी मदद मिलेगी। मदद मिलेगी? कितनी धनराशि मिले तो आपका पूरी की पूरी खेती हो सकती है? कम से कम 10,000 रुपया। 10,000? 10,000 रुपये में पूरी खेती आपकी हो सकती है? फिर भी सहयोग तो मिलेगा ना इस धनराशि से? हाँ, सहयोग तो मिलेगा। भारत सरकार किस योजना से खुश हैं आप? जी धन्यवाद। सर, हम आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था आज? आज जो है ग्राम सभा की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु लोगों को जानकारी दिया गया। ग्राम में जो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक के बीच में 4 महीने का 2,000 रुपया उनके खाते में जाएगा। वो ऐसे किसान जिनके पति पत्नी मिलाकर और नाबालिग बच्चों को मिलाकर 8 बीघा से कम जमीन हो, सरकारी सेवा में थर्ड ग्रेड की नौकरी न करता हो, फोर्थ ग्रेड की नौकरियों के लिए नौकरी वालों को मिलेगा। इसमें घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र सभी को भर के देना है। जो पात्रता में आएगा उन्हीं को ये पेंशन का लाभ, सम्मान किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा। ये हर 4-4 महीने पे 2,000 रुपया उनके खाते में भेजा जाएगा। जी, घोषणा पत्र के बारे में कुछ बता सकते हैं, मुख्य बिंदु क्या है उनका? मुख्य बिंदु यह है कि परिवार में 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं होना चाहिए और सरकारी सेवा फोर्थ ग्रेड को छोड़कर समूह ग की सेवा में जो है उनको लाभ नहीं मिलेगा। और इसके अलावा पेशेवर जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अधिवक्ता हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जो रजिस्ट्रेशन कराकर और पैसा कर रहे हैं, उनको भी ये लाभ नहीं दिया जाना है। क्या भारत सरकार सारे किसानों को दे पाएगी इस योजना का लाभ? इस योजना तो ये योजना तो पूरे भारत में लागू है और किसानों के लिए काम भी इस समय राजस्व विभाग हो चाहे कृषि विभाग हो, बहुत तेजी से अपने कार्य को कर रहा है। और 24 तारीख को जहां मोदी जी गोरखपुर से उद्घाटन करने वाले हैं, इसका जो भी किसान इस समय पात्र होकर जो किसान ये सूची है, इसके अनुसार जो पात्र पाए जाएंगे उनके खाते में 2,000 रुपया डालने के लिए 24 तारीख को उद्घाटन भी करेंगे गोरखपुर से। अभी तक सर इस ग्राम सभा में लगभग कितने पात्र होंगे? हमारे ग्राम सभा बहुरा में लगभग हमारी जानकारी में कम से कम 1,000, 1,100, 1,200 लगभग पात्र होंगे किसान।